Hello aspirants, welcome to the YouTube classes of Unacademy. My name is Asha Tiwari and I am going to tell you people about the case known as Paklan Narayan Swami versus Emperor, जो आपने पढ़ा जरूर होगा ऐसा मैं मान के चल रही हूँ. इन केस नहीं पढ़ा है सो डोंट वरी, मैं आपको फैक्ट्स बताती हूँ और बताती हूँ कि ये केस आखिर था क्या. तो मुझे ज्वाइन करने के लिए गाइज आप एक काम कर सकते हैं कि आप ना मुझे अनअकैडमी में भी फॉलो कर सकते हैं. और अब जब अनअकैडमी की बात मैंने कर ही दी है तो आपको बता दूं कि अनअकैडमी पे इस समय तो आपको प्राइस सही मिल जाएगा, लेकिन 25 मई से यही प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा और फिर आपको देना पड़ेगा एक्स्ट्रा 20%. तो क्यों ना आज रात तक का समय है तो उसको आप उपयोग करिए और एनरोल कर लीजिए अपने आप को अपने मन चाहे बैच में. अगर आप करना चाहते हैं तो फ्री क्लासेस हमेशा की तरह अवेलेबल हैं. कोड है मेरा आशा लाइव, आशा जो कि मेरा नाम है और मैं आपके साथ लाइव हूँ, दैट मेक्स द कोड. यही कोड यूज करके आपको जो भी ऑफर चल रहा है उसमें परसेंटेज ऑफ मिल जाएगा. 22 से 26 मई तक ऑफर चल रहा है आरएम बैच का, जिसमें 40% तक आप सेव कर सकते हैं. यूपी लोकल लॉस कोर्स इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज का 15 दिन का रैपिड रिवीजन पैक है जो कि ऑफर प्राइस में मिल रहा है 4,999 रुपीज में. आप कोड यूज कर सकते हैं मेरा आशा लाइव और इसमें आपको तनसुख सर गाइड करेंगे. इसके अलावा गाइज टारगेट यूपी जुडिशरी 2024 कॉम्प्रिहेंसिव बैच 29 मई से स्टार्ट होगा, 15 महीने की ड्यूरेशन का है. आशा लाइव कोड यूज कर सकते हैं ऑफर प्राइस लेने के लिए. इसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स प्लस मेंस प्रिपरेशन है, क्यूरेटेड डिजिटल प्लस फिजिकल नोट्स हैं, लाइव लेक्चर्स और डाउट रेजोल्यूशन है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं और एंटायर यूपी सिलेबस इसमें कवर किया गया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ जुडिशरी मेंस एग्जाम 2023 जो कि 15 मई से स्टार्ट हो चुका है, एक महीने का बैच है, ऑफर प्राइस में 4,999 में मिल रहा है. इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं बैच में एनरोल करने के लिए और कोड यूज कर सकते हैं आशा लाइव ऑफर प्राइस के लिए. इसमें रैपिड मेंस प्रिपरेशन है, क्यूरेटेड डिजिटल नोट्स हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और छत्तीसगढ़ का पूरा सिलेबस कवर किया गया है. इसके अलावा लिंकिंग रेगुलर बैच 2.0 है जो कि 4 मई से स्टार्ट हुआ है, 12 महीने का ड्यूरेशन है. तनसुख सर, अनूप सर, सूर्यप्रकाश सर, अपूर्वा मैम और प्रभाकर सर इसमें आपको मेंटर करेंगे. हिमाचल प्रदेश जुडिशरी प्रीलिम्स रैपिड बैच 6,999 में आपको उपलब्ध है और इसमें आप कोड यूज कर सकते हैं आशा लाइव. इसमें कंप्लीट प्रीलिम्स प्रिपरेशन है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग है और लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा आरंभ कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी बैच है जो कि 25 मई से स्टार्ट हो रहा है, 12 महीने का बैच है और इस बैच की एक अच्छी खासियत ये भी है कि इस सब्सक्रिप्शन से आपको बाकी बैचेस का भी एक्सेस मिल जाएगा. प्रचंड माइनर लॉ सीरीज राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज की 8,499 में उपलब्ध है और ये 25 में यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है. तो कोड यूज करें आशा लाइव और एनरोल कर लें. वैसे ही जीएस महापैक जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रेटजी के बेसिक साइंस और करंट अफेयर्स कवर किया जाएगा ₹7,999. 100 आवर्स लाइव क्लासेस, 4 मंथ्स ड्यूरेशन, हिंदी क्लास नोट्स एंड इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज इसमें आपको मिल रहे हैं. कॉम्प्रिहेंसिव बैच अनिल खन्ना सर का 5 जून से स्टार्ट हो रहा है, 14 महीने की ड्यूरेशन का है. ये आप लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका है, ये एक ऑफलाइन बैच है. बिहार जुडिशरी सिमुलेटर मॉक टेस्ट में आपको एज पर एग्जाम पैटर्न, एक्चुअल एग्जाम पैटर्न, एक लॉ और एक जीके टेस्ट मिल रहा है 499 रुपीज में केवल. और जो अनअकैडमी क्लासरूम जुडिशरी चंडीगढ़ का मैंने बताया वो 5 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं तो अपनी बुक कर लीजिए जितनी जल्द हो सके. प्लस और आइकॉनिक दो प्रकार के बैचेस चल रहे हैं. अगर हम बैचेस की बात करें अनअकैडमी पे तो इसमें आइकॉनिक में आपको फिजिकल नोट्स मिलते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन होती है, पर्सनलाइज इवैल्यूएशंस मिलते हैं और 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है. बाकी सारी चीजें प्लस और आइकॉनिक दोनों में सेम है. तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे. कोड मेरा याद रखिएगा आशा लाइव. अब हैविंग सेड सो, आपको मैंने बता दिया कि मैं अनअकैडमी पे हूँ, अनअकैडमी आपको क्या क्या ऑफर करता है. अगर आप बैचेस में एनरोल करना चाहें तो बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं. जहां पे कोई भी कंफ्यूजन हो आपको हेल्पलाइन नंबर पता है उस पे भी कॉल कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, पाकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर. तो पाकला नारायण स्वामी वर्सेज एम्परर के फैक्ट्स क्या है दोस्तों? देखिए हुआ ये कि थर्ड क्लास अपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट में, हाँ ट्रेन के कंपार्टमेंट में एक स्टील ट्रंक में मिलती है एक लाश. अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैम कितना यू नो ऐसा लग रहा है प्राइम टाइम
सस्पेंस थ्रिलर समथिंग कुछ ऐसा, नहीं, ये सच्ची घटना है, फैक्ट्स हैं इस केस के, कि थर्ड क्लास कंपार्टमेंट में पुरी के एक स्टील ट्रंक में, यानी कि एक बक्से में, स्टील के बक्से में एक व्यक्ति की लाश मिलती है। दिन था ट्यूसडे, तारीख थी 23 मार्च 1937। अब इस ट्रंक को किसी ने क्लेम नहीं किया था, तो ऑब्वियस सी चीज है भाई, कभी ना कभी खोला जाएगा, पता चला। इस बॉडी को दोस्तों 7 पोर्शंस में काटा गया था। अब मेडिकल एविडेंस तो बात की बात है, कोई भी व्यक्ति देख के बता देता कि इसका मर्डर किया गया, तो मेडिकल एविडेंस ने भी यही बोला कि इस व्यक्ति को मारा गया है, मर्डर किया गया है। इस व्यक्ति की बॉडी को उसकी विडो ने आइडेंटिफाई किया और ये पता चला कि 40 साल की उम्र का लगभग ये व्यक्ति था, और ये पियोन रह चुका है दीवान ऑफ पिथापुर में। दीवान ऑफ पिथापुर का ये रहा था पियोन। यहां तक तो बात ठीक है। अब वन ऑफ द डॉटर्स ऑफ द डिसीज वॉज द वाइफ ऑफ द अक्यूज्ड। 1919 में अक्यूज्ड एंड हिज वाइफ वर मैरिड, ठीक, अक्यूज और उसकी वाइफ की शादी हुई है, वो बहरामपुर रहने गए पिठापुर से थोड़ी दोस्त, और उसके बाद ये पिठापुर आए 1933 में, उनको पैसे की जरूरत थी। अब क्या हुआ कि अक्यूज की जो वाइफ है उसने 3,000 रुपए लिए थे इनसे एट द रेट ऑफ 18% पर एनम उस समय, ठीक है, अक्यूज की वाइफ की बात हो रही है, उसने 3,000 रुपए इनसे लिए थे। अब 50 कम से कम लेटर्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए थे, जिसमें अक्यूज वाइफ और इसके बीच में, यानी कि ये जो डिसीज व्यक्ति है, इसके बीच में कुछ वार्तालाप हुई, बातें हुई थी। अब हुआ क्या कि 20 मार्च 1937 को डिसीज व्यक्ति ने एक लेटर रिसीव किया। उस लेटर के कंटेंट्स को साइन तो नहीं किया गया था, लेकिन उसमें साफ साफ उसको पढ़ के ये पता चल रहा था कि वो व्यक्ति जो है, यानी कि डिसीज व्यक्ति, बहरामपुर जा रहा है 1-2 दिन में, ठीक। अब डिसीज की विडो ने ये बताया कि उस दिन निकलते वक्त उसके हस्बैंड ने उसको लेटर दिखाया था और कहा था कि वो बहरामपुर जा रहा है, क्योंकि जिसको उसने 3,000 रुपये उधार दिए थे उसने कहा है कि ठीक है तुम आ जाओ और अपने जो उधार के जो उधार दिया था वो पैसे वापस ले लो। अब डिसीज जो है वो 21 मार्च को अपने घर से चला, बहरामपुर की उसने ट्रेन पकड़ी और निकल गया, और ट्यूजडे 23 मार्च को उसकी बॉडी जो है स्टील ट्रंक में मिली पूरी, ठीक। प्रोसीजरल बैकग्राउंड क्या था? प्रोसीजरल बैकग्राउंड है कि लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द प्रिवी काउंसिल हैज ट्रैवल्ड इट्स वे अप इन जुडिशरी बाय द डिसीजन ऑफ बोथ लोअर कोर्ट, यानी कि ट्रायल कोर्ट टू हाई कोर्ट, बाय कन्विंसिंग द अक्यूज ऑफ कमिटिंग द क्राइम ऑफ मर्डर एंड सेंटेंस हिम फॉर डेथ। अब जो ट्रायल कोर्ट था और हाई कोर्ट था, दोनों ने कन्विक्ट किया कि इन्होंने मर्डर किया और इनको डेथ सेंटेंस दिया गया, तो अपील की गई, उस समय की बात है, तो प्रिवी काउंसिल में अपील की गई। इशू क्या रेज हुए? दो इशू थे। पहला कि क्या स्टेटमेंट जो अक्यूज का था उसको कन्फेशन लिया जा सकता है, और दूसरा क्या जो डिसीज ने अपनी वाइफ को स्टेटमेंट दिया था जाने से पहले कि वो बहरामपुर जा रहा है और उसने जो पैसे दिए थे उस पैसे का ड्यूज वो लेने जा रहा है, वो वापस लेने जा रहा है, क्या हम उसको एज डाइंग डिक्लेरेशन काउंट कर सकते हैं? ये दो क्वेश्चंस थे। जजमेंट क्या आया? प्रिवी काउंसिल ने एक्सप्रेस किया, प्रिवी काउंसिल ने कहा कि जो अक्यूज का स्टेटमेंट है वो पार्टली कन्फेशन है और पार्टली वो अपनी इनोसेंस बता रहे हैं, तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, तो प्रिवी काउंसिल ने कन्विक्शन तो अक्यूज का सेट असाइड कर दिया और ऑब्जर्वेशन दी कि वर्ड कन्फेशन में जो है इट कैन बी कंस्ट्रूड फ्रॉम अ स्टेटमेंट बाय एन अक्यूज सजेस्टिंग द इन्फरेंस दैट ही हैज कमिटेड अ क्राइम। अ कन्फेशन आइदर एडमिट्स इन टर्म्स ऑफ द ऑफेंस और एट एनी रेट सब्सटैंशियली एडमिट्स ऑल द फैक्ट्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। तो इन्होंने बोला, एक होते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस, तो इन्होंने बोला कि भाई आप अपने आप के खिलाफ जो बोलोगे वो शब्द तो हम ले लेंगे, है ना, लेकिन आप अपने पक्ष में जो बोलोगे वो हम लेते नहीं हैं। तो कोर्ट ने कहा कि एडमिशन अगर कुछ इनक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स का होगा, जो कंक्लूसिवली इनक्रिमिनेटिंग होंगे, उनको एज कन्फेशन नहीं लिया जाएगा, लेकिन अ स्टेटमेंट विच कंटेन्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मैटर कैन नॉट अमाउंट टू कन्फेशन। या तो उसको हम पूरा लेंगे या हम उसको पूरा रिजेक्ट करेंगे, यानी कि इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि हम या तो पूरा लेंगे या पूरा रिजेक्ट करेंगे, हम आधा आधा नहीं करेंगे। और डिसीज ने अपनी वाइफ को जो सेंटेंस बोले थे, जो स्टेटमेंट बोले थे, उसको डाइंग डिक्लेरेशन माना गया और इसलिए एडमिसिबल लिया गया सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत।
अब रीजन फॉर जजमेंट था कि स्टेटमेंट ऑफ द अक्यूज वॉज पार्टली कन्फेशन एंड पार्टली एन एक्सप्लेनेशन टू हिज इनोसेंस, स्टेटमेंट ऑफ डिसीज टू हिज वाइफ एंड जो व्यक्ति ने लोन दिया था इस अक्यूज व्यक्ति को. अब हम अगर बात करें सेक्शन 32 क्लॉज 1 इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो वो बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन की. और डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब है, नाम से ही पता चल रहा है, वो शब्द जो मरने से जस्ट पहले बोले जाते हैं उसको हम डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं. और लॉ ये भी कहता है कि भाई मरता हुआ इंसान झूठ क्यों बोलेगा. तो पर्पस ऑफ दिस रिसर्च टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ लैटर मोर्टम विच मीन्स वर्ड सेट बिफोर डेथ एंड इन लीगल टर्म इट इज कॉल्ड डाइंग डिक्लेरेशन. द वर्ड डाइंग डिक्लेरेशन इन इट सेल्फ टेल्स द मीनिंग बट द प्रोजेक्ट हाईलाइट्स दोज क्वेश्चंस विच हैव अ ग्रेट वैल्यू इन फील्ड रिलेटिंग टू डाइंग डिक्लेरेशन. सो अ स्टेटमेंट बाय अ पर्सन हु इज कॉन्शियस एंड नोज दैट डेथ इज इमिनेंट concerning what he or she believes to be the cause of circumstances of death that can be introduced into evidence during trial in certain cases. As a result, to the exception of hearsay rule ने ये बोला कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ सुना है और वो जो है आके बोल रहा है तो वो trustworthy नहीं है. तो dying declaration usually जो है introduce किया जाता है prosecution के द्वारा, लेकिन इसको use किया जा सकता है on behalf of the accused as well. अब इसमें एक लैटिन टर्म आता है जो मैंने अभी आपको बताया कि नेमो मैरिटस प्रिजुम्प्टिव मेंत्री. इसका मतलब है एक व्यक्ति जो अपने मेकर यानी कि अपने ईश्वर से मिलने जा रहा है वो झूठ बोलते हुए तो नहीं जाएगा. एंड आर इंडियन लॉ रिकॉग्नाइजेस द फैक्ट दैट अ डाइंग मैन सेल्डम डाइज और ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन. तो हियर द पर्सन विक्टिम इज ओनली आई विटनेस टू द क्राइम एंड एक्सक्लूजन ऑफ अ स्टेटमेंट वुड टेंड टू डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस. Section 32 of Indian Evidence Act deals with the cases related to that person who is dead or cannot be found. ठीक, ये section 32 आपकी screens पे है जो Indian Evidence Act में आपने पढ़ा है. तो guys इसका एक और case law है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आपकी screen पे मैंने खोल दिया है, वजीर चंद वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, इसमें आप पढ़ सकते हैं. ये भी ऐसा ही था और इसमें स्टेटमेंट जो है वो राइटली एडमिट किया गया था. और वैसे ही आर वर्सेज जेनकिंस जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये भी एक केस लॉ है, लीडिंग केस लॉ है, सेक्शन 32 क्लॉज 1 के लिए आप पढ़ सकते हैं. तो आज के लिए मुझे लगता है इतना ही रखती हूँ, क्योंकि पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्ब्रॉयर आपको केस बताने की मेरी कोशिश थी, जो मुझे लगता है मैंने आपको अच्छे से फैक्ट्स बता दिए और क्या हुआ था इस केस में ये बता दिए. गाइज इसके अलावा आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे एज कोचिंग क्लासेस बाय ऐश. एंड ये सब आप जो देख रहे हैं एक्सेप्शन टू डाइंग डिक्लेरेशन, ये सब मैं तब कवर करूंगी जब मैं आपको डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ाऊंगी अलग से. सो यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब बाय द नेम कोचिंग क्लासेस बाय आश और अकेडमी आशा तिवारी. एंड आई हैव अ कोट फॉर द डे विच सेज टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट एक्सेप्ट ऑल द चैलेंजेस दैट कम टू योर वे, यू कांट जस्ट एक्सेप्ट द वंस यू लाइक. जैसे कि कोर्ट ने कहा कि इनकल्पेटरी और एक्सकल्पेटरी में हम केवल अच्छा अच्छा जो है छोड़ दें और बुरा बुरा एक्सेप्ट कर लें, या हम अच्छा अच्छा एक्सेप्ट कर लें और बुरा बुरा छोड़ दें, या हम इनोसेंस भी मान लें और क्राइम भी मान लें, ये तो नहीं हो सकता. वही सेम चीज आपके लिए आज कोट फॉर द डे है. दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, कीप ऑन लाफिंग लविंग लिविंग एंड ऑल्सो स्टडिंग. आई विल सी यू पीपल विद अनदर टॉपिक. दिस इज मी आशा तिवारी साइनिंग ऑफ. थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट.